काम कर रहे थे इस फिल्म पे और मेहनत की, अब हमको सभी लग रहा है हमारे पास काम नहीं है। तो हम ही दो हैं जिन्होंने ये फिल्म देखी नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं देख लें। और दीपिका वगैरह थोड़ी मसरूफ हो गई है दूसरी शूटिंग में, हम दोनों के पास काम नहीं। अगर वक्त ज़्यादा होता तो एक और पिक्चर शुरू कर देते हम लोग। सो राइट नाउ वी जस्ट एंजॉइंग द फिल्म बिकॉज आफ्टर अबाउट 7-8 डेज बोथ ऑफ अस विल गेट बिजी विद वर्क। सो वी जस्ट हैविंग फन और आज आज़ादी का भी दिवस है और बहुत खुशी है। हम गए अपना वो जो साथ है हम उत्तराखंड में और जहाँ जहाँ पे हमको हमने सोचा 3 थिएटर्स में जाएंगे आज या 4 में एक्चुअली, लेकिन एक जगह आई थिंक रश ज़्यादा था तो हम जा नहीं सके वहाँ पे। बट इट्स जस्ट फन, वी हैविंग फन। मैं भी रोहित से कह रहा था ये लाइफ अच्छी है, यही करते हैं हम लोग और कुछ करने को ना हो तो अच्छा है। रोहित अंगूर भी बनाएगा तो तरबूज बन जाएगा, क्योंकि बड़ी फिल्म बनाता है। सो आई डोंट नो अंगूर होगी कि नहीं, लेकिन तरबूज जरूर हम बनाएंगे अगला वाला इंशाल्लाह। ग्रेट फन मेकिंग दिस फिल्म और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है। मुझे रोहित की यही बात अच्छी लगती है कि उसके दिमाग में बिजनेस वगैरह की बात नहीं रहती है, वो फिल्म बनाना चाहता है। तो इंशाल्लाह जब इसके दिल में आएगा फिल्म जो मुझे सूट करेगी जैसे ये करती थी, सो हम बैठेंगे और फिर बनाएंगे और क्यों नहीं बनाएंगे। एक्चुअली ये बहुत अच्छी साइन है और हम ही नहीं, हमसे पहले वाली जो फिल्में हैं और अगले 5-6 महीने के अंदर जो फिल्में आएंगी, अगले साल में आएंगी, आई थिंक द मार्केट ऑफ इंडियन फिल्म इज़ सो बिग। सो आई लाइक टू थैंक हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जैसे डिस्नी, UTV, सबकी जो स्ट्रैटेजी है अब अच्छी हो गई है, क्योंकि लोग जो है फिल्म देखना चाहते हैं अगर उसको सही तरह से रिलीज़ करें। सो माशाल्लाह साउथ में बहुत चली है ये फिल्म, लोगों को पसंद आई क्योंकि ऑफकोर्स चेन्नई एक्सप्रेस है, इंटरनेशनली इतनी अच्छा कर रही है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन फिल्म्स। मुझको ये बड़ा अच्छा लगा कि मुझे मालूम नहीं था, हम ऊपर जा रहे थे तो किसी ने बताया दोनों पोस्टर साथ में लगे हुए और मैं एक्चुअली हमारी बहुत तमन्ना थी कि दिल वाले जो है मैं YSG और काजोल जो है जाके देखें मराठा मंदिर में, तो वो तमन्ना अधूरी रह गई थी। सो इन अ सर्टन वे नई फिल्म आई है वहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस और माशाल्लाह सबको पसंद आ रही है, तो एक मौका अच्छा हो गया। एंड आई फील वेरी नाइस यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया।